हाय फ्रेंड्स, मनीमेकर 2307 में आपका भरदिल से स्वागत है। जैसे कि मल्टीवेगर पेनी स्टॉक है अंडर 30 में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। पीएसयू बैंक रिपोर्ट किया है, इम्प्रेसिव ग्रोथ है और 173% का सर्ज हुआ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। स्टॉक में देख सकते हैं कि 140% का लास्ट वन ईयर में रिटर्न दिया है। बैंक का नाम है यूको बैंक बोला जाता है। रिजल्ट 30 जून को पब्लिश हुआ था। कंसोलिडेटेड बेसिस में बैंक रिपोर्ट किया है, 80% रेस किया है नेट प्रॉफिट में, जो 223 करोड़ का होता है। क्वार्टरली एंड में अच्छा खासा आपका प्रीवियस ईयर से ज़्यादा आपका इंक्रीज किया है नेट प्रॉफिट में। टोटल इनकम बैंक का 54% लगभग 5,856 करोड़ का हुआ है क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 2024 में। और साथ ही साथ यूको बैंक इनकॉर्पोरेटेड 1943 में हुआ है। कलकत्ता बेस्ड मिड साइज्ड पब्लिक सेक्टर बैंक है, हेडक्वार्टर कलकत्ता में है और नॉर्थ एंड ईस्टर्न को कनेक्शन करके रखा है। और ऑल ओवर इंडिया देखा जाए तो ये 3,108 ब्रांचेस है। और यूको बैंक मल्टीवेगर रनिंग किया है और कंपनी का शेयर भी जंप किया है 11 रुपीज़ 55 फर्स्ट अगस्त को एज एम जम्प। और साथ ही साथ आपका जो कंपनी का शेयर जंप किया है फ्रॉम 11.55, तो यही है आपको देखना पड़ेगा। ये अभी तक आया नहीं है डेट, तो 149% को वन ईयर होल्डिंग पीरियड में। और साथ ही साथ बहुत अच्छा खासा आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी है 34,409 करोड़ का। और ये आपका ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर मिड कैप स्टॉक आपको मिल रहा है बैंकिंग सेक्टर में, तो यूको बैंक आपका प्रायोरिटी में रखना चाहिए। मिड साइट पब्लिक सेक्टर बैंक है और ऑपरेशन थ्रू नेटवर्किंग में ब्रांचेस भी 3,000 से ऊपर है। और जिसको प्रॉफिट मेकिंग और एनपीए कम है, प्रॉफिट मेकिंग बैंक बोल सकते हो। और अभी बैंकिंग सेक्टर जैसे डिफेंस सेक्टर में बुल रन स्टार्ट हुआ है, तो ऐसे बैंकिंग सेक्टर में भी आपका बुल रन स्टार्ट होगा। तो ऐसे यूको बैंक एक मिड कैप स्टॉक को आप पिक कर सकते हो फॉर द स्विंग ट्रेडिंग एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग पर्पस। तो वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो सब्सक्राइब कर लेना आप ही का चैनल मनी मेकर 2307।